तो भैया स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज तारीख 15 अक्टूबर 2023 और आप लोग आ चुके हैं फिर से एक बार श्री राम लघु उद्योग सरसों के तेल के प्लांट पर। और ताऊ जी रेस्ट करते हुए, खलीन की निकल रही है ताऊ जी की, और अंदर तरुण चौधरी प्लांट चालक भी रेस्ट करते हुए। बाकी चलते अंदर देखते क्या स्थिति है, क्या नज़ारे बन रहे हैं। एक बार चारों तरफ का व्यू देख लो। समय हो रहा करीब 1:20 और रावली क्रिकेट स्टेडियम में T10 का मैच चलता हुआ। चलिए चलते हैं प्लांट पर, देखते हैं क्या धूम में उठ रहे हैं हमेशा की तरह, क्या कहर मच रहा। और इधर आप देख सकते हैं पहली बार की सरसों निकली पड़ी है, पहली बार का माल निकला पड़ा है यहाँ पर देख सकते हैं आप। और अंदर बबलू चौधरी पूरी मेहनत करते हुए प्लांट पर। और उधर आप देख पा रहे हैं कोने में गाटर भी पड़ा हुआ है, उस पर मैं बताऊँगा, कुछ रिन्यूअल हुआ है प्लांट पर तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी किसी भी भाई को प्लांट विजिट करना तो एड्रेस ये है, श्री राम लघु उद्योग निकट गांधी दल इंटर कॉलेज नेकपुर रोड रावली कला, यहाँ पर ये प्लांट स्थित है, गांव रावली कला में, एरिया मुरादनगर लगता है, जिला गाज़ियाबाद, राज्य उत्तर प्रदेश, और देश अपना हिंदुस्तान, हमेशा की तरह महान हिंदुस्तान। और इधर जैन सेट रखा हुआ है, ये जैन सेट बहुत ही कम यूज में आता है क्योंकि लाइट हमारे यहाँ ज़्यादातर समय आती रहती है, करीब 16-17 घंटे लाइट आ जाती है तो जो कि काफ़ी हो जाती है प्लांट चलाने के लिए। वही प्लांट है ये टिनीटेक प्लांट, गुजरात से इसको लाया गया और बहुत ही अच्छा वर्क करता हुआ, करीब 1.5 साल कंप्लीट होने को है इस प्लांट को और आज तक किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आई। छोटा मोटा सफाई वगैरह सर्विस वगैरह तो होती रहती हैं, तो एज ए पार्ट है जॉब ऑफ पार्ट सॉरी पार्ट ऑफ जॉब है। तो बाकी चलते अंदर देखते हैं क्या कहर मच रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप पहली बार की खली निकल के पड़ती हुई नीचे, देख सकते हैं आप क्वालिटी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी भाई प्लांट चला रहे हैं उनके लिए लाइव डेमो देख सकते हैं आप, टिनीटेक प्लांट किस स्पीड से खली निकालता है देख सकते हैं आप। और आप कृपया देखें यहाँ पर कि आपके प्लांट से भी क्या इसी गति से सरसों निकलती है क्या, तभी आप यहाँ पर कंपेयर करें। देख सकते हैं आप स्पीड यहाँ पर, ये है टिनीटेक प्लांट, गुजरात का प्लांट, मशहूर प्लांट जिसने आजकल के मार्केट में कहर मचा रखा है, पूरा तूफान उठा रखा है। और इधर हमारे पिल्ले भी सो रहे हुए, रात को ये काफ़ी मेहनत करते हैं, सर्व करते हैं, ड्यूटी बजाते हैं अपनी, तो अभी निंद्रा लेते हुए। इधर आप देख सकते हैं ये बाल्टियाँ रखी हुई हैं जिनको कि यहाँ पर हम रख देते हैं, जिसमें खली पड़ती रहती है और सीधा उठाकर कंटेनर में डाल देते हैं। अभी इस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए बंद किया हुआ। और बबलू चौधरी ऑपरेटर पूरी मेहनत करते हुए यहाँ पर। बाकी देख सकते हैं आप कंटेनर के अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का है। और किसी भी भाई की कोई क्वेरी हो तो तुरंत कमेंट करें, प्लांट से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहता हो कोई भी भाई, प्लांट खरीदने से लेकर चलाने तक कोई भी जानकारी किसी को चाहिए तो तुरंत कमेंट करें, उनकी पूरी मदद की जाएगी, भरपूर जानकारी इनको दी जाएगी। सभी लोग शुरुआत में किसी न किसी समस्या का सामना करते हैं, हमने भी किया था, और जिनका 99% निवारण भी हमने कर लिया है। और जो भी भाई कहते हैं कि भाई औसत बहुत कम निकलता है, 40-50-60 किलो ही निकल पाती है घंटे में, तो कृपया वे कमेंट करें, उन्हें 1 क्विंटल से 1 क्विंटल 10-20 किलो तक निकलवा के दिखवाई जाएगी उन्हीं के प्लांट से 1 क्विंटल से ऊपर का एवरेज निकलवाया जाएगा। बाकी ये चल रहे नज़ारे टिनीटेक प्लांट के, कोई भी भाई प्लांट लेने का इच्छुक है, अपना कोई नया काम करना चाहता है और वो सोच रहे हैं कि भाई प्लांट लगा लेते हैं, तो अगर उनको देखना है तो यहाँ पर आकर देख सकते हैं, गांव रावली कला में श्री राम लघु उद्योग पर, उनकी भरपूर मदद की जाएगी और जिस तरह भी चाहे देख सकते हैं आकर। बाकी अब इस
गाटर पोर्शन की बात कर लेते हैं। इधर कुछ रिन्यूअल करा रहे हैं, यहाँ पर डालने वाले हैं टांड, एक यहाँ पे एक टांड डालने वाले हैं, जिससे कि नीचे जो कुछ सामान ये रखा रहता है इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। और प्लांट पोर्शन में, प्लांट एरिया में काफ़ी जगह और क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। हालांकि जगह तो अभी भी बहुत कम घेरता है ये प्लांट, जगह कम काम ज़्यादा, समय कम काम ज़्यादा, इस फॉर्मूले को 100% पूरा करता हुआ हमेशा ये प्लांट। और इधर आप देख सकते फिल्टर सिस्टम ढका हुआ हमेशा की तरह। बाकी ये चल रहे नज़ारे, ये बाहर का व्यू देख लो। चलिए अब थोड़ा सा तेल भी देख लेते हैं। ये पीली सरसों के अंदर रखा हुआ पीली सरसों का तेल हमेशा की तरह, और नीचे 2 लीटर की पैकिंग और सबसे नीचे 5 लीटर की पैकिंग। तो अब तेल के भाव की बात कर लेते हैं। 150 रुपये केजी है काली सरसों का तेल, केजी लीटर में 900 ml आता है, तो हम केजी अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर। 150 रुपये किलो काली सरसों का तेल और 170 रुपये किलो पीली सरसों का तेल, देख सकते हैं आप यहाँ पर सैंपल आपके सामने। ले आओ ले आओ। ये अभी भैया पूछ से गए 4 क्विंटल सरसों लाने के लिए निकल चुके हैं ना उदयपुर से, और आप देखेंगे कुछ ही मिनटों के अंदर यहाँ पर 4 क्विंटल सरसों लेकर मिलेंगे ये आपको। बाकी लेते रहिए नज़ारे पूरे प्लांट के। तेल के रेट की बात हो चुकी है, 150 रुपये किलो काली सरसों का तेल और 170 रुपये किलो पीली सरसों का तेल, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर थोड़ा सा और एरिया में आपको घुमा देता हूँ, ये यहाँ पर पेटीएम स्कैन कोड भी लगा दिए गए हैं सर्विस के लिए। जो कोई भाई सेवा लेते हैं और कैश पेमेंट नहीं कर पाते तो पेटीएम सुविधा भी अवेलेबल है। बाकी अंदर के नज़ारे, ये रेस्टिंग बेड यहाँ पर ऊपर पहन चलता हुआ, सरसों को यहाँ पर फैलाते हुए फैला दिया यहाँ पर सरसों। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सभी वीडियो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए। और कोई भी सुझाव हो, किसी भी भाई के माइंड में कोई सुझाव चल रहा हो तो तुरंत कमेंट करें, उनके सुझाव पर अमल किया जाएगा और उसी तरह से वीडियो बनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अब आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।